पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर चौतरफा घिरा, यहाँ तक कि उसका हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई। पहले तो वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी धरती से दहशतगर्दी की साजिश रची जाती है। दुनिया जानती थी कि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन जैश उसी की जमीन से खाद पानी ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे झुठलाता रहा। हालांकि जब भारत के साथ दुनिया के तमाम मुल्क मजबूती से खड़े हुए तो पाकिस्तान की हेकड़ी जाती रही। अब मसूद अजहर को लेकर उसके सुर बदल रहे हैं। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने एक टीवी शो में कहा है कि भारत सबूत दे तो वो मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के बारे में बात कर सकता है, उसे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। न सिर्फ मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान के सुर बदले हैं, बल्कि पाकिस्तान में आतंकियों और आतंकी संगठनों की मौजूदगी को लेकर भी उसका रवैया बदला है। अब पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसकी धरती से दहशतगर्दी खाद पानी लेती रही है। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि उसने कई चरमपंथी और जिहादी संगठनों को प्रतिबंधित किया है और आतंकवाद के नासूर के इलाज की कोशिशें जारी। टेररिज्म आ गया पाकिस्तान में, जब अफगानिस्तान में इंटरनेशनल फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया तो वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर जो पोरस था और उधर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, तो 9/11 से लेके आज तक पाकिस्तान ने सबसे पहले काइनेटिक ऑपरेशंस किए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। इसमें आप नाम लें किसी भी तंजीम का, ख्वा वो अलकायदा थी, AQIS थी, दाइश थी, TTP थी, उज़्बेक्स थी, जो कि पाक अफगान बॉर्डर रीजन से ऑपरेट करते थे। पाकिस्तान में भी उनकी सेंचुरीज थी क्योंकि बॉर्डर खुला था, यहाँ पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग होती रही। आतंकवाद की परवरिश करने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच एक और बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर हुआ है। इमरान खान शासन ने पाकिस्तान में चल रहे 30,000 से ज्यादा मदरसों को सरकार के अधीन लाने का फैसला किया है। इन मदरसों में अब धार्मिक पढ़ाई के साथ मुख्य धारा के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान को खुद लगता है कि इन मदरसों से आतंक की फैक्ट्री चलाई जाती थी। हालांकि उन्होंने इसकी संख्या काफी कम बताई है। 1979 की अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई, ईरान में रेवोल्यूशन आई, प्रॉक्सीज चलनी शुरू हुई, तो पाकिस्तान में मदरसे खोले गए, जहाद की तरवीज की गई। 30,000 प्लस मदरसों में से वो मदरसे जो हमने स्कैनिंग की जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे वो 100 से भी कम है। पाकिस्तान में चल रहे सभी मदरसों को अब शिक्षा मंत्रालय के तहत लाया जाएगा। अब मदरसों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे जिसमें नफरत भरे भाषण नहीं होंगे और छात्रों को सभी धर्मों का सम्मान करने की तालीम दी जाएगी। इस्लाम की और दीन की तालीम जैसे है वैसे चलती रहेगी, लेकिन हेट स्पीच नहीं होगी। आर्मी चीफ कहते हैं कि अपना फिक्का छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। इसी मोटो के तहत उनके सिलेबस में दूसरे फिक्के की रिस्पेक्ट देने को इंश्योर किया जाएगा। आतंकवाद को पोषित करने वाले मदरसों पर पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला भारत के दबाव का बड़ा असर माना जा रहा है। भारत दुनिया के तमाम मंचों से पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ने और आतंकियों को शरण न देने की खुलेआम नसीहत देता रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। ये स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही वजह है कि जो मोदी की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग हो गए, उनके ऊपर हर प्रकार की निगरानी रखी जा रही है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से, UN सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, चाइना भी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर में है मसूद अजहर को लेकर। ऐसे में पाकिस्तान जो है दुनिया को बताना चाहता है कि हम कुछ ना कुछ बड़े पैमाने पर एक्शन लेने जा रहे हैं और हमारे ऊपर जिस माफे की पाबंदियां लगाना चाहते हैं उस माफे की पाबंदियां मत लगाइए। पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव को भी पाकिस्तान के बदलते सुर की वजह माना जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ब्लैकलिस्ट कर सकता है। यहां से पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। ऐसे में पहले से ही कंगाली और बदहाली की मार झेल रहा पाकिस्तान इसी डर से आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।